हे गाइस, तो बैगन का भरता और सब्जी तो आपने अक्सर खाई होगी, तो चलिए आज बनाते हैं बैगन का भाजा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको गोल वाले बैगन लेने हैं, उसे अच्छे से धो लेना, फिर उसका पानी निकाल के फिर हम ना इसके ऐसे स्लाइसेस कट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतले स्लाइसेस कट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी थिकनेस उसमें रहनी चाहिए। तो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर दो बैगन कट करके रखे हैं और ये देखिए इस तरीके से थाली में फैला लेंगे। और ये जो रेसिपी है ना गाइस, बहुत ही कम मसालों के साथ बन जाती है। तो इसके ऊपर हम सिर्फ बेसिक से मसाले यानी जैसे थोड़ी सी हल्दी, नमक और लाल मिर्च, बस यही डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने नमक और हल्दी डाली है, अभी मिर्च बाद में डालूंगी। हल्के से इसको मसल देंगे, फिर अलट पलट के दोनों साइड से हमें लगाना है ताकि जो नमक का जो फ्लेवर है ना वो बैगन में अच्छे से फैल जाए। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको लगा दीजिए, नमक भी और हल्दी भी। तो इससे क्या होगा कि जो नमक का जो रस है ना वो बैगन के अंदर तक चला जाएगा, एक काइंड ऑफ मैरिनेशन जो है ये वो है। अब आप मैंने हल्दी भी लगा दी, तब इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर लगा दूंगी। अगर तीखा पसंद करते हैं तो फिर आप जो नॉर्मल लाल मिर्च होती है वो डाल सकते हैं, और अगर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च, जिसका कि तीखापन थोड़ा कम होता है, आप वो लगा दीजिए अच्छे से। तो हाथों से मसल मसल के लगा दीजिए, खूब अच्छे से लग जाता है। और इसको लगाने के बाद ना 5-7 मिनट उसको हम छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, तो कि वो मैरिनेट भी हो जाए। और फिर उसके बाद कोई चौड़े मुंह वाली कढ़ाई लीजिए या तवा ले सकते हैं आप, या कोई पैन ले सकते हैं, और उसमें डालेंगे सरसों का तेल और इस तरीके से इनको प्लेस कर देंगे। और इन्हें हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है, और ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक एक दो दो तीन तीन ऐसे करके डाल दीजिए ताकि जो बैगन के पीसेज हैं ना एक के ऊपर एक ना चढ़ पाएँ। अब उसके बाद इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे हम पका लेंगे। और ये देखिए बीच बीच में ध्यान रहिए कि जो बैगन की जो हमारे पीसेज हैं वो जले ना। और फिर एक फोक से आप हल्का सा प्रेस करके देखेंगे कि ये जैसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं ना, 2 से 3 मिनट के अंदर ये आराम से पक जाते हैं। तो जब इजीली फोक घुस रहा है तो इसका मतलब जो आपका बैगन भाजा है ना गाइस, वो बिल्कुल बन के रेडी है। तो बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको निकाल लेना है प्लेट में, बाकी के जो पीसेज हैं उनको भी स्टोव फ्राई कर लेना है, और ये आपकी रेसिपी बन के रेडी है। बढ़िया से अपने किसी भी लंच या डिनर के साथ इंजॉय कीजिए।